Oviparous are egg-laying organisms, usually reptiles, amphibians, है ना? तो दे आर रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ठीक है। और जो विविपेरियस होते हैं, दे डेवलप द यंग वन इनसाइड देयर बॉडी, दे डेवलप यंग वंस इनसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल मैमल्स, ठीक है ना? तो ओविपैरस और विविपैरस में यूजुअली यूजुअली ओविपैरस ऑर्गेनिजम्स ले मोर एग्स than viviparous organisms. Viviparous से ज्यादा oviparous में usually eggs lay करते हैं, ठीक है? पर because they because some of their offsprings, some of their eggs डू नॉट मेक इट टू मेच्योर इन टू यंग वंस, ठीक है? यूजुअली जो एग्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स एग ले करते हैं, बहुत सारे करते हैं, ठीक है? बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है? एक्सेप्शंस हमेशा होते ही हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स ले ओनली टू एग्स, कुछ बर्ड्स ले ओनली टू एग्स, सम बर्ड्स ले ओनली टू एग्स, ठीक है? और जैसे पिजन्स होते हैं, पिजन्स ले ओनली टू एग्स। एंड तो द थिंग इज, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वो हमेशा ओविपैरस ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं एग्स, बट यूजुअली इट इज द केस। अगर हम एम्फीबियन रेप्टाइल इंसेक्ट्स को देखें तो बहुत सारे एग्स एक बार में प्रोड्यूस करते हैं। व्हाई? बिकॉज दे नीड टू टेक केयर ऑफ देम। सम ऑफ देम गॉट गेट्स ईटन बाय प्रेडेटर्स एंड सम ऑफ देम गेट डैमेज एटसेट्रा। So this is the reason why oviparous lay more eggs than viviparous. Also, viviparous, since in viviparous organism the development takes place internally, so there is not enough space for many young ones. ठीक है? तो viviparous organism usually give rise to one or two offsprings only. एक या दो offspring को ही वो develop कर पाते हैं inside their body. ठीक है? So is this question and answer clear? Yes or no?